प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कुछ दिन पहले सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिलीप कुमार के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। स्लैब्स सोशल मीडिया पोस्ट साझा कर अभिनेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दिलीप कुमार के निधन पर राहुल गांधी ने भी शोक जताया है। उन्होंने कहा कि उनके योगदान को भारतीय सिनेमा जगत हमेशा याद रखेगा। वहीं आपको बता दें कि दिलीप कुमार को सांस की तकलीफ के कारण 6 जून को भी हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया था, जिसके इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। वहीं आपको बता दें कि दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में हुआ था और उनका नाम पर्दे पर आने से पहले यूसुफ खान था। बाद में उन्हें पर्दे पर दिलीप कुमार के नाम से खूब शोहरत मिली। दिलीप कुमार के नाम से उन्हें लोगों के बीच काफ़ी ख्याति मिली। दिलीप कुमार की शुरुआती पढ़ाई नासिक में हुई। बाद में उन्होंने फिल्मों में अभिनय का फैसला किया। 1944 में रिलीज हुई फिल्म ज्वारभाटा से डेब्यू किया। उनकी फिल्म मुगले आजम उस वक्त की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। वहीं अगस्त 1960 में रिलीज हुई मुगले आजम फिल्म उस वक्त की सबसे महंगी लागत में बनने वाली फिल्म भी रही। आपको बता दें कि दिलीप कुमार के नाम 8 फिल्म फेयर अवार्ड रहे हैं। दिलीप कुमार को साल 1991 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1994 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। 2000 से 2006 तक वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। वहीं आपको बता दें कि दिलीप कुमार की पत्नी अभिनेत्री सायरा बानो उनका ख्याल रख रही थी और फैंस भी लगातार उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।